क्या आप 15,000 के नीचे के प्राइस पॉइंट पर एक बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्मार्टफोन्स को पिक करने के लिए। बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन अंडर 15,000 ना कि बस वेल प्राइज्ड हैं बल्कि उनमें से कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लेवल का भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आज आपको एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ बेस्ट स्मार्टफोन्स टू बाय अंडर 15,000 बताऊंगा, ना कि बल्कि एसेंशियल्स। पर यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, यूनिबॉडी डिज़ाइन, मेटल बिल्ड्स और उसी के साथ बेस्ट कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्मार्टफोन्स हैं जो कि बेस्ट अंडर 15,000 के सेगमेंट में आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, सारे स्मार्टफोन्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे, आप चाहे तो वहां से भी चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए। तो पहले नंबर पे आता है Xiaomi का Redmi Note 7 Pro। यह आता है Snapdragon 675 के साथ, जो कि स्पेशली ट्यून्ड अप है हमारे PUBG प्लेयर्स के लिए। यहाँ पे आपको टॉप बेंचमार्क स्कोर मिलेंगे यहाँ पे आपको सारे एसेंशियल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, IR ब्लास्टर हो गया, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। और तो और यहाँ पे आपको डुअल कैमरास का सपोर्ट भी मिलता है, जिसमें से एक है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और एक है 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी शूटर। ये अपने आप में ही एक कमाल डिवाइस है जो कि आपको अंडर 15,000 मिलता है। उसके बाद नंबर दो पे आता है Realme 3 Pro। Realme 3 Pro अगर आपको बताऊं तो एक परफेक्ट अल्टरनेटिव है Redmi Note 7 Pro के लिए। यहाँ पे आपको Snapdragon 710 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि अभी मिड रेंज सेगमेंट में टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है, और आपको जिसकी वजह से Realme 3 Pro में हाई एंड गेम्स का सपोर्ट भी मिल जाता है और वो हाई एंड गेम्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल भी करता है। अगर आपको एड्स पसंद नहीं तो आप Redmi की जगह Realme के लिए जा सकते हैं। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंप्राइज करता है द सेम कैमरा एज ऑन OnePlus 60 और काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर आप Xiaomi का MIUI पसंद नहीं करते तो डेफिनेटली आप इस मोबाइल के लिए जा सकते हैं। तो नंबर तीन पे आता है Xiaomi का Redmi Note 7S। Redmi Note 7S ये एक दोस्तों बैलेंस्ड मिड रेंजर है इन बिटवीन Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7 Pro, और जो कि अफोर्डेबल भी है और पावरफुल भी है। हार्डवेयर वाइज Redmi Note 7S है सिमिलर टू Redmi Note 7, जहां पे आपको Snapdragon 660 अलोंग विथ 4GB RAM 64GB स्टोरेज मिलता है। आपको यहां पे एक 4000 mAh का बैटरी मिलता है विथ सपोर्ट टू फास्ट चार्जिंग, और इसमें आपको Samsung का 48 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है। Redmi Note 7 Pro में से ये सिर्फ डिफर करता है यही कि आउटपुट इमेज यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा, लेकिन ये एक अच्छा डिवाइस है अगर आपका प्रायोरिटी गेमिंग नहीं है। उसके बाद नंबर चार पे आता है Xiaomi का Redmi Note 7। यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो नहीं मिलेगा, पर एक रिफाइंड एक्सपीरियंस मिलता है विच वॉन्ट लेट यू डाउन, क्योंकि थैंक्स टू हमारा Snapdragon 660, Redmi Note 7 का हार्डवेयर कुछ हद तक सिमिलर है Asus Zenfone Max Pro M2 से। सिर्फ यहाँ पे आपको 4000 mAh का बैटरी मिलता है। बेंचमार्क के डाटा के हिसाब से अगर हम चॉइस लें तो Redmi Note 7 आपको टॉप ऑफ द सेगमेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इसमें आपको एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी शेयरेबल इमेजेस प्रोवाइड करता है। ओवरऑली देखें तो ये डिवाइस भी काफ़ी पॉलिश्ड और वेल ऑप्टिमाइज्ड है। तो नंबर पाँच पे आता है Asus का Zenfone Max Pro M2। इसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको चाहिए एक पावरफुल और रिलायबल मिड रेंजर में। ये डिवाइस उनके लिए है जो कि स्टेडी परफॉर्मेंस है, जहाँ पे ये डेली टास्क और कुछ हाई एंड गेम्स दोनों को हैंडल कर सकता है थैंक्स टू द 5000 mAh बैटरी। परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro के बाद आता है, लेकिन यहाँ पे आपको इशू जैसे कि क्विक बैटरी ड्रेन, लैक ऑफ फास्ट चार्जिंग और तो यहाँ पे आपको कैमरा परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं मिलेगा। बस प्राइमरी रीजंस यही है कि आपको एक लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए और स्टॉक एंड्रॉयड का इंटरफेस चाहिए। उसके बाद नंबर छः पे आता है Samsung का Galaxy M30। Galaxy M30 एक पार्ट है कंपनी के रिवाम्प्ड एफर्ट टू मेक मिड रेंज फोन एक्साइटिंग।
जिसके लिए M30 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप इंक्लूडिंग वाइड एंगल सेंसर और इसमें आपको एक एमुलेट डिस्प्ले भी मिलता है, जिसकी वजह से ये अपने रेंज में एक गेम चेंजर है। यहाँ पे ये मिड रेंज प्राइस पॉइंट पर प्रीमियम ऑफरिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको एक 5000 mAh का बैटरी मिलता है जो कि अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है विद द एमुलेट डिस्प्ले विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस। और तो और M30 में आपको वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी मिलता है, जिसका मतलब HD में नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम से आप मूवी स्ट्रीम कर सकते हैं। ये इस सेगमेंट में एक कड़ी टक्कर देता है Redmi Note 7 Pro को। अब नंबर 7 पे आता है Realme 2 Pro। Realme 2 Pro पिछले साल का बेस्ट मिड रेंजर विद बेंचमार्क स्कोर्स, जहां पे आपको स्नैपड्रैगन 660 विद 8GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ स्टोरेज मिलता है। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास मिलते हैं। Realme 2 Pro अब थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन बहुत सस्ता भी हो गया है पहले से, पर ये डिवाइस गेम्स जैसे कि PUBG मोबाइल को हाई ग्राफिक सेटिंग में भी हैंडल कर सकता है विद स्टेबल फ्रेम रेट्स, और डेली टास्क के लिए बहुत अच्छा डिवाइस है। इसमें आपको टॉप ऑफ द लाइन कैमरा परफॉर्मेंस भी मिलता है। थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन एक अच्छा चॉइस है अंडर 15,000। उसके बाद नंबर 8 पे आता है Xiaomi का Redmi Note 6 Pro। ये पावर्ड है स्नैपड्रैगन 636 से। Redmi Note 6 Pro एक अच्छा परफॉर्मर है अंडर 15 के सेगमेंट। फोन एक एक्सीलेंट बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है, जहां पे ये डिवाइस एक इवोल्यूशन है Redmi Note 5 Pro और कुछ नए इंप्रूवमेंट के साथ। इसमें से एक है डुअल कैमरास एट द फ्रंट और एंड डुअल कैमरास एट द बैक। ये डिवाइस पिछले साल का ऑल इन वन डिवाइस था, लेकिन अब स्नैपड्रैगन 636 एक काफी स्लो प्रोसेसर है। मैं आपको इसका 6GB वेरिएंट सजेस्ट करूंगा अगर आप इस डिवाइस को खरीद रहे हैं। तो नंबर 9 पे आता है Asus का Zenfone Max Pro M1। ये डिवाइस Redmi Note 5 Pro से काफी मिलता है, पर यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको सेम हार्डवेयर जो कि आपको Xiaomi के डिवाइस में मिलता है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मर था, पर दोस्तों Max Pro M1 का बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है और कैमरा परफॉर्मेंस में भी ये बहुत पीछे है। ऑल इन ऑल अगर 2019 में आप इस डिवाइस को खरीदने की सोच रहे हैं तो तभी खरीदें अगर आप बजट में टाइट हैं और आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और डिसेंट परफॉर्मेंस विद स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए। अब हमारे नंबर 10 पे आता है Samsung का Galaxy M20। Samsung Galaxy M20 ये मिड रेंजर में आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, जो कि इस डिवाइस का एक अच्छा चॉइस बनाता है। लेकिन ये डिवाइस सबके लिए नहीं है, ये अच्छा डिवाइस उन्हीं के लिए है जिन्हें खेलना पसंद है वाइड एंगल कैमरा के साथ। लेकिन बाकी सारे कैटेगरीज में ये अप टू द मार्क नहीं है, जैसे कि परफॉर्मेंस हो गया, कैमरा हो गया, गेमिंग हो गया, जहां पे बहुत सारे डिवाइसेस जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं इस रेंज पर। बेसिकली ये दोस्तों एक सस्ता मॉडल है Samsung Galaxy M30। दोस्तों ये तो थे हमारे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15 के सेगमेंट। कमेंट्स में बताइए जरूर कि आपको कौन सा डिवाइस पसंद है और आपके टॉप 10 चॉइस अंडर 15 के क्या हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, चाहे तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सारे रिसेंट और लेटेस्ट टेक अपडेट्स हम पहले वहां अपडेट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे ही कुछ और बेस्ट अंडर के वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं हूँ अनिकेत और मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।